हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अजहर खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान टेक्स्ट्रा। आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे नेस्टेड स्क्वायर रूट्स, जिनको हम मल्टीपल स्क्वायर रूट्स भी कहते हैं। तो ये होते क्या है, जिसमें स्क्वायर रूट्स रिपीट हो रहे हो, यानी कि एक के बाद एक स्क्वायर रूट लग रहा हो, उसको हम मल्टीपल स्क्वायर रूट्स या नेस्टेड स्क्वायर रूट्स बोलते हैं। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे टोटल 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। जनरल मेथड से देखा जाए तो इनको 5 से 6 मिनट आपको सॉल्व करने में लग जाते हैं, लेकिन अगर शॉर्टकट मेथड से किया जाए तो ये विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सो टाइप नंबर 1 पर चलते हैं। देखिए, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 अप टू इंफिनिटी। दो कंडीशन है यहां पर, एक प्लस का साइन है, दूसरा इंफिनिटी है। तो ये दो कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेंगी अगर आप इस शॉर्टकट ट्रिक को यूज करेंगे। तो देखिए, जो नंबर आपको दिया हुआ है इसके ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि उन फैक्टर्स का डिफरेंस 1 आ जाए। तो 6 के कौन कौन से फैक्टर हमें मिलेंगे, 1 इंटू 6 मिल सकता है, 6 इंटू 1, 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 2। तो ये दो ऐसे फैक्टर हैं जिनका डिफरेंस क्या है, आपस में 1 आ रहा है। 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1, राइट, एक डिफरेंस आ रहा है। तो आपको हमेशा आंसर क्या लिखना है, 3, जो ग्रेटर हो वही आंसर होगा जब प्लस का साइन होगा, राइट। अगर प्लस की जगह माइनस आ जाए तो आंसर क्या होगा, सेम वही चीज रहेगी। दोनों कंडीशन चेक करेंगे सबसे पहले आप। अब प्लस की जगह माइनस है तो ये दो कंडीशन चेक करेंगे, माइनस और इन्फिनिटी। तो ऐसे ही इस नंबर के दो फैक्टर ढूंढेंगे जिसका डिफरेंस 1 हो, लेकिन इस बार जो आंसर होगा वो होगा 2 आंसर होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं टाइप नंबर 2 पर। सो टाइप नंबर 2 है हमारे पास, जो नंबर गिवन है उसके फैक्टर्स का डिफरेंस 1 ना मिले तो इस कंडीशन में आंसर हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, दो तरीके हैं इसको करने के, मेथड 1 एंड मेथड 2। पहले मेथड 1 की बात कर लेते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं, 3 के ऐसे कोई फैक्टर नहीं मिलेंगे मुझे जिसमें इनका डिफरेंस क्या हो, 1 मिले। यहां दो दो का डिफरेंस है, देखिए दोनों में तो एक का डिफरेंस नहीं मिल रहा, तो ऐसे नंबर को भी टैकल करना पड़ेगा। तो मेथड 1 है हमारे पास, देखिए 3 नंबर है, अब प्लस का साइन है तो आप आगे जाएंगे 3 के बाद 4। अब 4 का देखेंगे, ऐसे फैक्टर मिल सकते हैं जिसका डिफरेंस 1 हो, नहीं मिल सकते। 4 के बाद 5 पे जाएंगे, 5 में भी नहीं मिल सकते, कोई ऐसा फैक्टर नहीं होता है जिसका डिफरेंस 1 आए। देन 6 पे जाएंगे, 6 के हमें मिल जाएंगे 2 और 3। तो इसका आंसर जो आएगा बिटवीन 2 एंड 3 आएगा। अगर आपको ऑप्शन में इस तरीके के ऑप्शन मिलते हैं बिटवीन 1 एंड 2, 2 एंड 3, 3 एंड 4, तो आप इस अप्रोच को यूज करेंगे हमेशा, राइट। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर मिल रहा है तो मेथड 2 पर जाएंगे, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। ये मैं बात कर रहा हूं जब बीच में प्लस दिया हुआ, माइनस की भी बात करेंगे, राइट। देखिए अब इसमें फॉर्मूले में रख देते हैं, ए क्या है हमारा, जो नंबर गिवन है। तो 4 3 12 12 प्लस 1 13, ये अंडर रूट में होगा, प्लस 1 एज इट इज अपॉन में 2 एज इट इज, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट। अब वो कंडीशन देखते हैं जब माइनस आ जाए। देखिए माइनस आ जाए तो मैं यहां पर माइनस लगा देता हूं सब जगह, और ये भी चेक करना है आपको हमेशा इन्फिनिटी है या नहीं, यहां पर ये नोटिस करना है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं माइनस लेता हूं तो नंबर मैंने 3 ले लिया, इस बार आपको आगे नहीं जाना, आपको जाना है पीछे वो नंबर ढूंढने के लिए जिसका डिफरेंस 1 हो फैक्टर्स का। तो देखिए 3 से पहले 2, अब 2 इंटू 1, तो इसका क्या होता है, 1 डिफरेंस है फैक्टर का, इसका मतलब मैं क्या लूंगा, इसका आंसर जो आएगा 1 एंड 2 के बीच में आएगा माइनस के केस में, राइट। तो बिटवीन 1 एंड 2 आ गया। अगर फॉर्मूला में देखूं तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, सिर्फ फॉर्मूले में यहां पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो आंसर क्या होगा, अंडर रूट 13 माइनस 1 अपॉन में 2 अगर नेगेटिव है तो, राइट। अब चलते हैं टाइप नंबर 3 पर। सो टाइप नंबर 3 के लिए देखिए कंडीशन क्या है हमारी, मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, यहां ना प्लस है ना माइनस है, आप क्या कर रहे हैं, नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इन्फिनिटी का साइन है। ये दो चीजें आपको कंडीशन याद रखनी पड़ेगी ये शॉर्टकट अप्लाई करने के लिए। जब भी ये दो कंडीशन हो आपके पास तो आंसर क्या होगा, जो आपको नंबर गिवन है 7, अगर यहां 7 की जगह 5 दिया होता तो आंसर क्या होता, 5, अगर 11 दिया होता तो आंसर क्या होता, 11, राइट। अब देखिए टाइप नंबर 4 में कंडीशन क्या है, मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए सिर्फ बीच में और इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, इस बार ये कंडीशन है। तो इस वाले टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है, आपको बेस लिखना है 7 जो नंबर दिया हुआ है,
राइट right? और अब काउंट करना है सेवन कितनी बार दिया हुआ है, वन टू थ्री, तीन बार दिया हुआ है, तो आपको इसको टू की पावर क्या लगाना है, थ्री, टू की पावर थ्री लगाना है, और न्यूमरेटर में इसको रख देना फ्रैक्शन में, टू की पावर थ्री कितना होता है, एट होता है, तो एट में आपको कर देना है माइनस वन, तो कितना हो जाएगा ये, ऊपर सेवन और नीचे एट, और ये फ्रैक्शन रख देना इसकी पावर में, सेवन अपॉन एट, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, सेवन, सेवन टू द पावर एट, ये इसका आंसर। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं, देखिए अंडर रूट फाइव, अंडर रूट फाइव मान लीजिए टू टाइम्स लिख देता हूं मैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए फाइव बेस लिख दिया, अब डिनोमिनेटर में टू की पावर टू टाइम्स आएगी, क्यों, क्योंकि दो बार आ रहा है सिर्फ, स्क्वायर रूट लग रहा है, और ऊपर क्या आ जाएगा, टू की पावर टू क्या होता है फोर, फोर माइनस वन थ्री, तो 5 टू दी पावर 3 अपॉन 4, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। सो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।